नहीं कटेगा। जो लोग प्लास्टिक का मल्चिंग बताते हैं ये अधिकारी सरकार के है, वे कृषि वैज्ञानिक। एक काम करो, मई महीने में दोपहर को 2 बजे उनका मुंह प्लास्टिक के नीचे वो दबा दो, तब मालूम पड़ेगा प्लास्टिक के क्या हाल होते हैं। आदमी नहीं जी सकता, जीवाणु जीएंगे नहीं, ये गलत है, बहुत खतरनाक है। भस्मासुर है ये लोग, भस्मासुर है, ख्याल रखें, इनके पीछे मत लगो। तो जो भी कास्ट मिलेगा उसको क्या करना है, आचरण के रूप में बिछाना है। दलन कठोर का क्या लेना है, अंतर पाट लेना है, सब फसल लेना है, और जीवाणु घने जीवाणु जितना डालिए डालना है, बस चमत्कार देखो, चमत्कार देखो। ये जो चमत्कार देख रहे हैं वो उसका चमत्कार, उसका चमत्कार। तो साथी, इसका मतलब है हमें जब हम आच्छादन देंगे, जीवाणु घने जीवाणु देंगे और कठोर का, दलन का, इंटरक्रॉप लेंगे, अंतरपाट लेंगे, तब ह्यूमस अपने आप बनेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। दूसरी बात, यही अगर अवशेष हम गोबर के खाद निर्माण करने में डालते हैं, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट के लिए डालते हैं, तो क्या होता है, देखिए, ह्यूमस की निर्मित जड़ों के पास होती है, जड़ों के बाहर नहीं, कारखाने में नहीं, क्योंकि ह्यूमस निर्माण करने वाले जो जीवाणु है उनको ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा खिलाने के लिए जड़ें उनको चीनी खिलाती है, मीठा पदार्थ खिलाती है। क्या करते हैं जड़ें, जड़ें क्या करती है, ह्यूमस नल का निर्माण करने वाले जीवाणुओं को, चीनी को क्या बोलते हैं, खान, खान, खान खिलाती है, शुगर खिलाती है, उसके बदले में वो उनको क्या करते हैं, पकाकर खाना जड़ों को खिलाते हैं। सहजीवन है, सिम्बायोसिस है, कोई फोकट का नहीं खाता, 2 पाव का पानी छोड़कर कोई फोकट का नहीं खाता, यहां बैठे हो छोड़कर। तो सहजीवन है, इसका मतलब है ह्यूमस तब बनेगा जहां ह्यूमस की निर्मित जड़ों के पास होगी, ह्यूमस बनेगा, जड़ों के बाद ह्यूमस की निर्मित नहीं होगी, क्योंकि उसको खान नहीं मिली। ये गोबर का खाद कहां तय होता है, जड़ों के पास होता है, खड्डे में होता है, ह्यूमस की निर्मित नहीं होती। ये कंपोस्ट होने को, कंपोस्ट कहां बनता है, कारखाने में, ह्यूमस की निर्मित नहीं बनती, खाद बनता है। ये पंचगव्य दशगव्य क्या बना, कहां बनता है, कारखाने में, ह्यूमस की निर्मित नहीं होती, खाद बनता है। ये नैडेप का खाद, ये आपका बायोडायनामिक कहां बनता है, कारखाने में। अरे ये जो सजीव खेती है और पारंपरिक खेती है, उसके सारे संसाधन जड़ों के पास निर्माण नहीं होते, कहां होते, कारखाने में, ह्यूमस निर्मित नहीं होती, खाद बनता है, खाद। इसका मतलब है ये सजीव खेती ह्यूमस निर्मित को रोकने का एक खतरनाक विदेशी षड्यंत्र है। अगर कोई सजीव खेती वाला यहां हो तो माफ करना, मैं सत्य बोल रहा हूं, हिम्मत है तो मैं झूठ बोल रहा हूं सिद्ध करे, क्योंकि ये सजीव खेती स्वदेशी नहीं है, भारतीय नहीं है, ये शतप्रति विदेशी तंत्र है। इसका मतलब है जब आप सजीव खेती करते हो, ह्यूमस की निर्मित को रोकते हो, भूमि की उर्वरा शक्ति को रोकते हो, बंजर बनाने में अपना सहयोग देते हो, और बाद में जो खाद तैयार होता है, गोबर का खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, बायोडायनामिक, पंचगव्य, दशगव्य जो अभी बताया जा रहा है, जैसे धूप तपते उसमें 46% कार्बन होता है, वो कार्बन मुक्त होता है, हवा में प्राणवायु से उसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हवा में निकल जाता है, साथ में मीथेन भी जाता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी जाता है। ये ग्रीन हाउस गैसेस से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं, वैश्विक तापमान वृद्धि को बढ़ाते हैं और विनाश होता है, विनाश। यानी रासायनिक कृषि और जैविक कृषि, सजीव खेती ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में सबसे आगे है, सबसे आगे, जिसका विनाश हम भुगत रहे। तो हमें ये रासायनिक भी नहीं चाहिए और साथ में सजीव खेती भी नहीं चाहिए, और गो आधारित खेती वही है खतरनाक। जब आप गाय आधारित कृषि करते हो, इसका मतलब है आप अपरोक्ष में क्या बताते हो, कंपोस्ट बनाओ, वर्मी कंपोस्ट बनाओ, गो आधारित है, गो आधारित है, ये छल कपट नहीं चलेगा, ये छल कपट नहीं चलेगा।
दूसरी बात हा? गोबर गौ आधारित है ना, लेकिन कितना चाहिए? 10 किलो। इतना आप कितना डालते हो? ट्रक ट्रैक्टर वो भस्मासुर लाते हो कहाँ कहाँ से? और वो भी खाद के रूप में नहीं, जामन के रूप में डालते हैं। जैसे 200 लीटर पानी में, दूध में हम एक चम्मच क्या डालते हैं? छाछ दही डालते है ना। एक 200 लीटर दूध में क्या डालते हैं? एक चम्मच दही। दूसरे दिन 200 लीटर का क्या बनता है? दही बनता है। तो उसी तरह एक एकड़ अगर सजू बनाना है तो कितना चाहिए? 10 किलो गोबर चाहिए, खाद के रूप में नहीं, काय के रूप में? जामन के रूप में। इसका मतलब है आप सजू खेती को भी नहीं करना है, वैदिक कृषि बुक को भी नहीं करना है, और जो अभी आए हैं नए मंत्र पठन, वेद पठन और क्या योग साधना करके पौधे बढ़ते हैं बोलते हैं, मूर्ख बना रहे हैं। प्रकृति में कुछ भी नहीं, ईश्वर की अवस्था में कुछ भी नहीं, जंगल में है क्या ये? नहीं, ये सब पाखंड नास्तिकता। दूसरी बात, बीज लगाना है, नर्सरी से पौधा नहीं लाकर लाना है, इसका कारण है। जब आप बीज डालते हो, जैसे आप पपीता का बीज डाल दिया, आपने इसका आम का बीज डाल दिया, या कोई भी फल पेड़ का बीज डाले, जो जड़ निकलती है मुख्य जड़, वो मुख्य जड़ नीचे गहरी भूमि में जाती है पानी की खोज करती हुई, जब तक भूजल तक नहीं जाती वो बढ़ना रुकती नहीं, कहाँ तक? भूजल तक जाती है। अगर बीच में कोई कच्चा पत्थर आ गया, उसने उसको अड़ाया, तो जड़ के अग्र के ऊपर विशिष्ट कोशिकाएं होती है रूट कैप, वो क्या करता है? 16 प्रकार के आम्ल वो पत्थर को मारे जाते हैं, जड़ों के आम्ल से पत्थर क्या बोलता है? पिघल जाता है और जड़ अंदर जाती है। कहां तक जाती है? भूजल तक। भूजल तक जाने के बाद 12 महीने भूजल का पानी कहाँ आता है? जड़ों तक आता है, तो जंगल खड़े होते हैं। जब आप नर्सरी से पौधे लाते हो क्या होता है? ये बीज डालता है तो गद्दी पर, गद्दी से पौधे उखाड़ता है तो मुख्य जड़, जब पिछवे में थैली में लगाता है, थैली में आप दूसरी जगह लगाते तो भी मुख्य जड़ कटती है, यानी मुख्य जड़ जो नीचे जाते हैं पानी तक वो कट जाती है और दुय्यम जड़ बढ़ती है समांतर भूमि को। इसका मतलब है कि अगर जड़ भूमि के नीचे भूजल तक नहीं गई, ऊपर के ऊपर रही, एक अकाल गिरा, एक बारिश नहीं हुआ, तो आपके फसल क्या होती है? सूखने लगते हैं, पेड़ सूखने लगते हैं। एक चक्रवात आ गया बवंडर, तो पूरा पेड़ नीचे गिरता है, क्योंकि आधार नहीं है। आधार जो जो भी कृषि वैज्ञानिक बताते हैं सब गलत है, सब झूठ है, वो नहीं करना है। हमारी परिभाषा है प्राकृतिक कृषि की, जो कृषि वैज्ञानिक करने को कहिए कुछ नहीं करना है। कृषि वैज्ञानिक आपको जो जो कुछ करने को कहेंगे ना, वो कुछ नहीं करना, और जो करने को नहीं कहेंगे वो मुद्दाम करना है। यह है प्राकृतिक वो चमत्कार। आप यहां देखोगे अभी हम इस समझ में आया, तो कभी भी नर्सरी से पौधशाला से पौधे खरीद कर नहीं लाना है, अपने जगह पर बीज डालना है, उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करना है, जो हमें वैरायटी चाहिए उसे। टिश्यू कल्चर भी नहीं, महा खतरनाक महापाप है टिश्यू कल्चर, महापाप है टिश्यू कल्चर, नहीं लाना है। टिश्यू कल्चर में पहले पीढ़ी में जो अच्छे गुणधर्म है उसको उजागर किया जाता है, डोमिनेंट बनाया जाता है, जो खतरनाक गुणधर्म है उसको सोए हुए रखे जाते हैं। जब अगले पीढ़ी में देखोगे तो आपको सोए हुए जागृत होते हैं, और बताया जाता है कि एक ही समय कटाई को आते हैं, गलत है, हमने देखा है। बंजी टॉप आता है, बंजी टॉप आने वो पर्णक उच्च क्या बोलते हैं, अग्र में ऐसे पत्ते सिकुड़ जाते हैं, वायरस वायरस है ना, हाँ वो आता है, ये मैंने इसमें भी देखा है। और ब्लाइट सबसे ज्यादा ब्लाइट से ये पपीता और केले खत्म हुए महाराष्ट्र में,
कौन सा? जिन्होंने टिश्यू कल्चर लगाया उसे। टिश्यू कल्चर अगर हम आदमी में उपयोग में लाते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। लड़की का ही चाहिए, एक टिश्यू ले लिया शरीर का, प्रयोगशाला में लड़की का, लड़का चाहिए एक टिश्यू लिया प्रयोगशाला में लड़का, शादी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, समाज क्या होगा, क्या होगा समाज? ये भस्मासुर है, ये भस्मासुर है, विज्ञान भस्मासुर है। ख्याल में केले का प्लांटेशन करना तो फिर कैसे करना? ये कंद लाना है, गाठ, हाँ बिल्कुल वही लाना है, वही लाना है। वो मैं बताऊंगा बाद में कैसे लाना है, क्या करना है। कंद से जो वृद्धि होती है ना, चलिए महाराष्ट्र में आपको दिखाता हूँ। चलिए 22 से 25 किलो की रास है, रास मानिए एवरेज वेट ऑफ द बंच। एक ही समय कटाई के लिए आया है, पर्ण गुच्छ नहीं है, ब्लाइट नहीं है। पड़ोस में जो टिश्यू कल्चर का केला लगा है उसमें वो पर्ण गुच्छ भी है, बंची टॉप भी है और अनिमन हार्वेस्टिंग भी है, तब वहां ब्लाइट भी है। पत्ते पीले पड़ गए, सिकुड़ रहे, खत्म हो रहे। तो चैलेंज है कुछ शिवा कहने को, हमारी तभी दिखाइए। तो आपको कंद लाना है, कंद कहां से लाना है? जिस केले का सबसे ज्यादा वजन होगा, काय का क्या बोलते हैं उसका, लूम, सबसे ज्यादा लूम होगा, जिस पर कोई कीट नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, उसका एक पकड़ना है, कंद लाना है। अगर आपको वो केले वाला नहीं देगा, रात को छुपा कर लाना है, है ना? चलेगा ना? चलो यही खड़े, मैं तो 2 रुपए ज्यादा जाऊं, लेकिन लगाना उसका 400 ग्राम से लेकर 800 ग्राम होना चाहिए बाहर। कितना होना चाहिए? 400 से लेकर 800 ग्राम, 800 के ऊपर नहीं चाहिए, है ना? नरियल जैसा आकार होना चाहिए, कैसा? नरियल, आंखें सूजी होनी चाहिए और ऊपर की चमड़ी ब्राउनिश कलर की, यानी लाल लाल और चमकती हुई है। वो बीजांप में डुबोना है और लगा देना है, साथ में बहुत अंतर फसल लेना है, अंतर पट लेना है, हम तब देखिए। और बाद में क्या करना है वो ऑन द स्पॉट में बताऊंगा, ठीक है ना? अब आप बताइए वृंदा सिंह जी कि आपने यहाँ क्या क्या किया, आपको विरोध कैसे हो गया, घर में कैसी लड़ाई हुई, बाहर कैसी लड़ाई हुई, लड़ाई में आप कैसे जीते, सब बताइए।